फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लवली प्रियंका में, जहाँ मैं बातें करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। और अभी आजकल मैं आप लोगों के साथ दशहरा का फंक्शन का ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो आज 9वें दिन का मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। और कल्याणकारी हो तो आज दशहरा है और दशहरा के दिन माँ का विसर्जन होता है, पूजा की समाप्ति होती है। और ये जो हर्षोल्लास जो हम लोगों ने 9 दिन तक सेलिब्रेट किया है, आज इन सभी समारोहों का समाप्ति होती है। तो मैं प्रियंका आप लोगों सबको बहुत बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएं देती हूँ और होप हैप्पी, वेरी हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। एंड गाइज, अभी आज का फंक्शन का मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और फंक्शन। थैंक यू। दशहरा के दिन सबसे पहला जो कंपटीशन था वो बच्चों का पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन था। बहुत सारे पार्टिसिपेट किए थे और मॉर्निंग का व्यू मेरे गार्डन का आप कुछ। नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा हमने सोचा था उसकी एक्सपेक्टेशन से भी सुपर से भी ऊपर। बच्चों से लेके बड़ों तक लंच की तरफ प्रोसीड करेंगे। आई नो आप बहुत खुशबू कर रही है, मुझे भी कर रही है। दोस्तों, इसी तरह से बेस्ट ड्रेस के अवार्ड भूमि को और भी बच्चों को बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैं नहीं दिखा पाई हूँ। उसके बाद हमारा लंच का टाइम था तो हम लोगों ने लंच किया, माता की आरती की और आज विजयदशमी को हमने बड़े धूमधाम से मनाया। तो चलो, मैं गुलाब जामुन, जलेबी, दाल मखनी और शाही पनीर, बहुत सारी वेराइटीज थी। ये रहा आपको जीरा राइस, देन पकौड़े वगैरह भी थे। ये दाल मखनी है, प्योर वेज खाना था बिना लहसुन प्याज का और मिक्स वेज वगैरह, रोटी नान पूरी पराठा बहुत कुछ था। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों का खाना रेडी हो चुका है और आप मेरे बैक साइड में सारे खाने का मेन्यू देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है बहुत जोश एंड होश के साथ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। पीछे की क्राउड आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, खाना बहुत ही डिलीशियस था, सबने खूब इंजॉय किया। आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहे हैं सब लंच वगैरह करने के बाद। चलो मैं आपको लुक दिखाती हूँ और अपनी छोटी सी कुछ मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी दशहरा बहुत अच्छे से मजा होगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लवली प्रियंका को इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।